नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु पे। ये एज प्रोमिस्ड साइंस की नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि में क्या है। सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है कि ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, इसको इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि में हमें क्या पढ़ना है। दरअसल पिट्यूटरी ग्रंथि जो आपकी होती है वो ब्रेन में एक हड्डी होती है, सेफनॉइड बोन, ये वहाँ सिचुएटेड होती है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये सिचुएटेड कहाँ होती है, लोकेट कहाँ होती है, तो आप कहोगे ब्रेन में एक हड्डी होती है सेफनॉइड, उसकी गोद में ये हड्डी होती पिट्यूटरी होती है। अब सवाल ये आता है कि जब आप पिट्यूटरी को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको इसको तीन भागों में बांटकर पढ़ना पड़ेगा। इसको तीन लोब्स में बांटा जाता है, जैसे कि मैंने दिखाई हुई है। ये आपका जो एरिया है, ये वाला जो एरो इधर गया है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर लोब, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अग्रपाली। उसके बाद ये जो बीच का है, जो मैंने इस तरीके से दिखाया है, जस्ट छोटा सा पार्ट जो है आपका, इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट लोब, जिसे हम बोलते हैं मध्यपाली, और इसको बोलते हैं पश्चपाली। जैसे एक परिवार होता है, एक परिवार में हर आदमी का अपना काम होता है, तो इन लोब्स का भी अपना ही काम है। अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन की, तो मध्यपाली ह्यूमन्स के अंदर डेवलप नहीं होती है, ये नॉट डेवलप्ड, ये काम ही नहीं करती, ये होती ही नहीं है। इसलिए जितना भी काम होता है अपना, वो एंटीरियर लोब यानी अग्रपाली और पोस्टीरियर लोब पश्चपाली का ही होता है। तो इन दोनों को ही हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये दोनों ही भाग जो हैं पिट्यूटरी के, कुछ स्पेशल हार्मोन्स अपने अंदर रखते हैं, सिक्रेट करते हैं, स्त्रावित करते हैं, और इन हार्मोन्स का अपना एक फंडा होता है और वो अपने ही अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो एक बार जानते हैं एक करके कि दोनों का क्या काम है। इसमें अगर पोस्टीरियर लोब को कहें तो इसमें सिर्फ दो ही हार्मोन पाए जाते हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, और बाकी सारा काम अगर हम कहें तो वो सारा एंटीरियर लोब यानी अग्रपाली का है। तो चलिए शुरू करते हैं और पोस्टीरियर यानी कि पश्चपाली में कौन कौन से हार्मोन हैं उनके बारे में समझते हैं। अगर आप पोस्टीरियर लोब की बात करते हो, पोस्टीरियर लोब, कॉपी पेन साथ लेके बैठें, अपना नोट्स आप बना सकते हैं। पोस्टीरियर लोब का मतलब आपकी जो पश्चपाली है, इसके अंदर दो ही हार्मोन मेन होते हैं, एक होता है आपका वैसोप्रीन और दूसरा होता है आपका ऑक्सीटोसिन। उम्मीद है कि आपके हाथ में कॉपी पेन होगा तो मैं लिखूंगा कम और बोलूंगा ज़्यादा और समझाऊंगा ज़्यादा। वैसोप्रीन एक बड़ा अच्छा हार्मोन है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या वैसोप्रीन हार्मोन कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को या रक्त दाब को प्रभावित करता है, तो बिल्कुल प्रभावित करता है, आइए इसको जानिए। वैसोप्रीन का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हिंदी में कहें तो हम कहते हैं मूत्र रोधी हार्मोन। तो अगर आप वैसोप्रीन के बारे में पढ़ रहे हो तो नाम से काफ़ी कुछ हमें पता लग रहा है कि इसे हम एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी मूत्ररोधी हार्मोन कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि जितना वाटर इनटेक हम करते हैं, बॉडी में जो वाटर इनटेक हम करते हैं, उसका कुछ परसेंट भाग यूज होता है फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। जैसे कि आप खाना खाते हो, उसको पचाने के लिए भी आपको वाटर यूज होता है, और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो H2O हाइड्रोजन वाटर का फार्मूला होता है H2O, जो आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो उसका काफ़ी सारा हिस्सा शरीर के कामों में यूज होता है। उसमें से कुछ परसेंट भाग यूज होता है और कुछ भाग आप यूरिनल के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर देते हो, बाहर निकाल देते हो। तो अब सवाल ये आता है कि जैसे कि कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि कई बार बहुत बार टॉयलेट जाते हैं, यूरिन के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जाते ही नहीं हैं, तो उसका सीधा सीधा फंडा है कि वैसोप्रीन हार्मोन की गड़बड़ी है। अब ये हार्मोन गड़बड़ी कैसे करता है, ऑक्सीटोसिन को हम थोड़ी देर में वापस लिख लेंगे एक बार, और अभी देखते हैं वैसोप्रीन को। देखो, यानी कि आप पहला पॉइंट आप कह सकते हो कि वैसोप्रीन हार्मोन आपकी बॉडी में सिंथेसाइज करता है और कंट्रोल करता है वाटर लेवल को, कहीं ना कहीं कि कितनी पानी सिंथेसाइज होना है, कितना नहीं होना है। अब इसके दो लेवल हो सकते हैं, या तो वैसोप्रीन हार्मोन ज़्यादा कम अमाउंट में निकल रहा है, या फिर ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है, लेस या मोर।
अगर वेसोप्रीन ज्यादा निकल रहा है, एक्सेस में निकल रहा है, तो वो क्या करेगा कि आप लेस टाइम, अगर कम निकल रहा है, अगर वेसोप्रीन आपकी बॉडी में कम निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा बार यूरिन के लिए जाओगे, यूरिन के लिए जाओगे। अगर आप ज्यादा बार यूरिन के लिए जाओगे, उससे क्या होगा, आपका जो यूरिन है वो थिन हो जाएगा, थिन हो जाएगा, जबकि आपका ब्लड जो है वो डेंस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। समझना इस बात को, दोनों बातों को समझ लेना अच्छे से। क्या कहा मैंने कि आपकी बॉडी में वेसोप्रीन कम है, इट मींस आप ज्यादा बार यूरिन के लिए जाओगे, ज्यादा बार यूरिन के लिए जाओगे तो यूरिन तो आपका थिन हो जाएगा, बट ब्लड आपका क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। इसके विपरीत अगर बॉडी में वेसोप्रीन ज्यादा है, आपकी पिट्यूटरी ज्यादा वेसोप्रीन निकाल रही है, ज्यादा अमाउंट में आप ज्यादा वेसोप्रीन है, तो अगर बॉडी में वेसोप्रीन ज्यादा है तो आप यूरिन के लिए कम बार जाओगे, लेस टाइम जाओगे, कम बार जाओगे। अगर आप यूरिन के लिए कम बार जा रहे हो तो आपका यूरिन डेंस होगा, यूरिन डेंस होगा, और आपका ब्लड जो है थिन हो जाएगा, थिन हो जाएगा। अब सवाल ये होता है कि किसमें आपका बीपी बढ़ेगा और किसमें आपका बीपी घटेगा। तो इसके लिए सीधी सी बात आप याद रख सकते हो कि अगर आपकी ये वेन्स है और इसके अंदर आपका ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है इस तरीके से, ब्लड फ्लो करता है, तो ये जो ब्लड फ्लो करता है ये वेन्स पे कुछ प्रेशर डालता है अंदर से और कुछ प्रेशर बाहर से डलता है। बाहर वाले प्रेशर को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जबकि वेन्स के पे ब्लड की वजह से जो प्रेशर पड़ता है उसे आप क्या कहते हो, ब्लड प्रेशर कहते हो। अब एक सीधा सा सिंटम है, सीधी सी बात है, जो मोटा व्यक्ति होता है वो कम गति से चल पाता है, जबकि पतला व्यक्ति तेज गति से चल पाता है। पतला मींस ब्लड की मूवमेंट इजी होगी, इजी होगी तो बीपी आपका क्या होगा, हाई होगा। और अगर मोटा व्यक्ति है, कुछ कुछ मेरी तरह कह सकते हो, तो उस केस में वो चल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा तो इसका मतलब बीपी क्या होगा, लो होगा। तो आप बड़े प्यार से और बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वेसोप्रीन कम या ज्यादा होगा तो कब बीपी कम या ज्यादा होगा। जब ब्लड डेंस है, गाढ़ा है, मोटा है तो वो चल नहीं पाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जबकि ब्लड जब गाढ़ा है, ब्लड जब पतला है, थिन है, तो वो चल पाएगा, यानी कि उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो उस वजह से उसका क्या होगा, बीपी हाई होगा। तो कहीं ना कहीं वेसोप्रीन ये तो नियंत्रण करता ही है कि आप कितने टाइम यूरिन के लिए जाएंगे थ्रू आउट द डे, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित करता है। किस तरीके से प्रभावित करता है, होपफुली कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। तो अब मैं अगले हार्मोन की तरफ चलता हूँ, पोस्टीरियर लोब के, जो कि क्या है, ऑक्सीटोसिन। चलिए चलते हैं ऑक्सीटोसिन, अगले हार्मोन की तरफ चलते हैं जो कि आपका है ऑक्सीटोसिन। आपने काफी नाम सुना होगा इसका, ऑक्सीटोसिन का। ये ज्यादातर क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब मादा प्रसव पे होती है और गर्भाधान के लिए कहीं भी डॉक्टर या कहीं भी आप घर में डिलीवरी हो रही है, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि स्टमक का साइज, स्टमक साइज बढ़ जाता है। बढ़ जाने का मतलब एक तरह से फैलता है, फैलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी अगर हम बात करें तो स्टमक साइज सिकुड़ जाता है, सिकुड़। इस फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को जो हार्मोन अंजाम देता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान भी और गर्भाधान के बाद भी, यानी कि डिलीवरी के बाद भी, स्टमक साइज को फैलाने में और स्टमक साइज को सिकोड़ने में अगर कोई मदद करता है तो वो कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। होता क्या है, अपने स्टमक में, स्टमक में कुछ मांसपेशियां होती हैं जो नियंत्रण करती हैं, और उन मांसपेशियों को कहते हैं अनैच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक। जब आप मांसपेशियां पढ़ोगे तो आप एक चीज पढ़ोगे
कि दो तरह की मांसपेशियां बॉडी के अंदर मिलती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक, यानी कि वॉलंटरी और अनवॉलंटरीली, मतलब जो अपनी इच्छा से काम करती हैं, और एक जो लगातार कार्यरत रहती हैं, कार्य करती रहती हैं। तो उसी में ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टमक में ये जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं ये आपकी बढ़ती और घटती रहती हैं ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो ये था ऑक्सीटोसिन का, इसका मेन काम यही है कि प्रसव के दौरान, प्रसव पीड़ा के दौरान और उससे पहले गर्भावस्था के दौरान स्टमक के साइज को कम या ज़्यादा करना, यही ऑक्सीटोसिन का काम है। तो चलिए चलते हैं अगली, यानी कि आपकी, ये हमने पोस्टीरियर लोब का काम पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे एंटीरियर लोब का काम। चलिए चलिए पोस्टीरियर लोब से यानी कि पश्चपाली से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको देख लेते हैं। पहले मैं लिख रहा हूँ कि पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो कौन कौन से हैं। आप ये समझ लीजिए कि पोस्टीरियर लोब से, या ये कह लीजिए कि पिट्यूटरी काम जितना भी काम करते हैं और जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं उसका 3/4 काम इसी भाग से होता है और बाकी काम बाकी भाग से होता है। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि मेजर हार्मोन्स जो निकलते हैं वो इसी लोब से निकलते हैं। तो मैं पहले लिस्टेड कर रहा हूँ कि कौन कौन से हार्मोन इससे निकलते हैं, फिर समझेंगे कि उन हार्मोनों से किस किस तरह की बीमारियाँ या कि कौन सी कमियाँ या वो कार्य क्या करते हैं बॉडी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है इसका STH, फुल फॉर्म क्या होती है वो बाद में पढ़ेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट हार्मोन है इसका GTH, तीसरा हार्मोन है इसका ACTH, फोर्थ हार्मोन है इसका TSH और फिफ्थ हार्मोन है इसका MSH। ये सभी हार्मोन प्राइमरली इस लोब में से निकलते हैं। पहला सोमेटोट्रोफिक, दूसरा गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, तीसरा एडेनोकॉर्टोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और MSH यानी कि मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमें कुछ इसमें से पढ़ने हैं। एक हार्मोन और होता है जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसे हम कहते हैं LTH, ल्यूटीन ट्राइट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग ट्रोफिक हार्मोन। ये सब हमने इसमें पढ़ना है। अब एक एक करके वन बाय वन समझ लेते हैं कि पहले तो हम पढ़ते हैं STH हार्मोन को, जिसको हिंदी में कहें तो यूं लिखते हैं सोमाटोट्रोफिक हार्मोन। हिंदी इंग्लिश में इसी यही प्रोनाउंस होता है। अब सवाल ये आता है कि ये कम या ज़्यादा होता है या किस तरीके से काम करता है। सोमाटोट्रोफिक हार्मोन प्राइमरली क्या करता है, ग्रोथ देखता है बॉडी की, ग्रोथ यानी कि शरीर का विकास कैसे होना है, हड्डियों का विकास कैसे होना है, शारीरिक रंग रूप का निर्माण कैसे होना है, इन सभी का निर्माण आपने STH देखा है। एक चीज़ आपने देखी होगी, कुछ लोगों के शरीर पर बालों की बहुत अधिकता होती है, कुछ लोगों के नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, कुछ लोगों के सिर के बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, वो सब गड़बड़ी STH हार्मोन की वजह से आती है। तो प्राइमरली आप ये कह सकते हो कि शारीरिक ढांचे का निर्माण, अंग का निर्माण, रंग रूप का निर्माण, बालों का निर्माण, इन सब का काम कहाँ होता है, STH हार्मोन में होता है। तो इसकी कमी से या इसकी अधिकता से क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं कि प्राइमरली अगर मैं बात करूँ तो STH हार्मोन की वजह से 3 बीमारियाँ पनपती हैं। एक बीमारी जिसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं बोनापन। दूसरी होती है जाइजेंटिज्म, इसे हम कहते हैं अतिकायता। नंबर 3 आप कहो तो एक्रिलमियागली, इसे हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं, एक्रिलमियागली ऐसे लिखते हैं। अब इन तीनों बीमारियों में क्या होता है क्या नहीं होता है वो समझ लेते हैं। STH हार्मोन, ये जो दोनों बीमारियां होती हैं ये STH हार्मोन की अधिकता की वजह से होती हैं, अधिकता की वजह से, जबकि ये बीमारी जो होती है ड्वार्फिज्म ये कमी की वजह से होती है। ड्वार्फिज्म आप ये समझ लीजिए कि STH में से निकलने वाले GH हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो शरीर का जो अंग है, हड्डियाँ जो हैं, वो उतना विकास नहीं कर पाती है जितना उन्हें करना चाहिए। तो इससे शरीर की हाइट क्या रह जाती है, थोड़ा कम रह जाती है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि पिट्यूटरी ग्रंथि डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है किसी भी मनुष्य की, व्यक्ति की हाइट को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर इसकी कमी हो जाएगी किस हार्मोन की, STH हार्मोन की, तो डायरेक्टली उसका इफेक्ट व्यक्ति की हाइट पर पड़ने वाला है, यानी कि वो व्यक्ति
हाइट में कम रह जाएगा अगर एसटीएच की कमी होती है। इसी बीमारी को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। दूसरा है जाइजेंटिज्म यानी कि अतिकायता। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के मानुष के शरीर में एसटीएच हार्मोन की अधिकता हो जाती है। अधिकता होने से क्या होगा कि जो शरीर की हड्डियों का निर्माण है विशेषतः वो अनियमित रूप से होगा और हड्डियां बहुत लंबी हो जाएंगी। तो इस तरह का आदमी जो होता है वो अतिकाय शेप में चला जाता है यानी कि वो लंबे बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि एक्रीमियाग्ली की हम बात करें तो दोनों होते तो अधिकता की वजह से हैं, पर जाइजेंटिज्म और एक्रीमियाग्ली में डिफरेंस क्या है कि जाइजेंटिज्म में हम ये कह सकते हैं कि ये बीमारी डायरेक्टली हाइट को बढ़ा देती है और जब हाइट बढ़ती है तो शरीर का हर अंग बढ़ता है। जबकि एक्रीमियाग्ली बीमारी में क्या होता है कि शरीर कुरूप होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों की जैसे आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें टेढ़ी, जबड़ा टेढ़ा हो जाता है और अनियमित रूप से बढ़ता है, कहीं से चौड़ा और कहीं से नैरो हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी में यही होता है, हड्डियाँ टेढ़ी, बद्दापन होना, कुरूप होना, यानी कि हाइट और शरीर के अंगों का प्रपोर्शन वैसा नहीं रहता जैसा रहना चाहिए, अनुपात वो बिगड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप एक बात कह सकते हैं कि एसटीएच हार्मोन ये तीनों बीमारियों को निमंत्रण देता है। पहला है ड्वार्फिज्म यानी कि बोनापन आ जाएगा, दूसरा है जाइजेंटिज्म यानी कि अतिकायता आ जाएगी, और एक्रीमियाग्ली। अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि दोनों एसटीएच की अधिकता की वजह से होती हैं, और दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ हाइट बढ़ती है, पर एक्रीमियाग्ली बीमारी के अंदर क्या होता है, शरीर के शारीरिक ढांचे जो बनता है उसका प्रपोर्शन यानी अनुपात ठीक नहीं रहता है। मुंह का, जबड़े का, कान का, आँख का, इन सब का वो उसी प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती हैं जिस प्रपोर्शन में उसे बढ़ना चाहिए। तो ये था आपका पहला हार्मोन एसटीएच हार्मोन। चलिए चलते हैं अब जीटीएच हार्मोन की तरफ यानी कि गोंडोट्रोफिक हार्मोन को। इस हार्मोन को पढ़ने से पहले एक बात और याद रखना कि अगर हम पश्चपाली की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में कि बताइए इस पाली से निकलने वाले हार्मोन्स को कौन नियंत्रित करता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हार्मोन्स की वर्किंग तो फिर भी शायद आप में से किसी ने पढ़ी हो, बट ये अगर वो डीप में जाता है तो डीप में ये पूछेगा कि इस भाग से स्त्रावित हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, ये डीप क्वेश्चन बनता है। तो आप याद रखना पश्च पाली से स्त्रावित होने वाले हार्मोन हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होते हैं। हाइपोथैलेमस जो कि एक ब्रेन का हिस्सा है, आप इसको ब्रेन में पढ़ेंगे, बट आपने अभी के लिए याद रखना है कि पोस्टीरियर लोब यानी कि पश्च पाली से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसे नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अब आ जाते हैं अपने जीटीएच हार्मोन की तरफ, गोंडोट्रोफिक हार्मोन की तरफ। इस हार्मोन को पढ़ने का मतलब है, समझने का मतलब है कि आपने एक तरह से पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में समझना, एक तरह से रिप्रोडक्शन जिसको आप हिंदी में कहते हो प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। आप ये समझ लीजिए कि ये हार्मोन अगर है तो इसी की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। इस हार्मोन को प्राइमरली दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में। एक को हम बोलते हैं FSH और एक को बोलते हैं LH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हिंदी इंग्लिश में भी इनके नाम यही हैं, कोई फर्क नहीं है। अब फर्क इनकी कार्य क्षमता में है, इनकी कार्य में है कि ये बेसिकली काम क्या क्या करते हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है प्राइमरली कि ये जो भाग होता है जिसको हम FSH हार्मोन कहते हैं, ये नर और मादा दोनों के प्रजनन अंगों पर कार्य करता है। बेसिकली तो दोनों ही प्रजनन अंगों पर कार्य करते हैं, बट दोनों प्रजनन अंगों के कार्य किस प्रकार अंजाम देते हैं वो समझना है। कि अगर हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं, फॉलिकल की, तो ये हार्मोन मादा में एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अभी बताऊंगा कि ये दोनों हार्मोन बेसिकली डीप में अगर जाएंगे तो क्या करते हैं, क्या प्रभावित करते हैं। प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन को स्त्रावित होने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखना क्या कहा है मैंने कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्त्रावित होने के लिए प्रेरित करते हैं, नंबर एक बात। दूसरा, मादा के जो जनन अंग हैं उनकी बनावट का ध्यान रखते हैं। वैसे ही अगर हम नर में बात करें, नर में
नर के जो जनन अंग है जो प्राइमरली क्या है, वृषण, वृषण जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। तो याद रखना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मादा में प्रोजेस्टेरोन और उसके जनन अंग और नर में वृषण को कंट्रोल करता है। और एक हार्मोन होर होता है नर में जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं, एंड्रोजन। इन सभी हार्मोन को प्रेरित करता है, स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि है FSH हार्मोन प्राइमरली क्या काम करता है नर और मादा के अंदर, तो याद रखना कि मादा के अंदर उसके जननंग और प्रोजेस्टेरोन को प्रेरित करता है स्रावित होने के लिए, और नर में उसके वृषण यानी कि जननंग जो नर में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वृषण यानी कि टेस्टिस कहते हैं, और उसमें प्रवाहित होने वाले हार्मोन एंड्रोजन को नियंत्रित करता है। ये काम किसका है, ये काम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो अब हम बात करते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन के। तो लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये सिर्फ प्रेरित करता है और ये वाला भाग हमारा एंड्रोजन एस्ट्रोजन इन सब को क्या करता है, नियंत्रित करता है कि कब इन्हें ज्यादा होना है कब इन्हें कम होना है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये काम करता है, प्लस इसके साथ साथ और क्या काम करता? आपने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा, वैसे भी पढ़ा होगा कि प्रजनन के लिए माता से जो हार्मोन मिलता है उसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं और नर से जो हार्मोन मिलता है उसको एंड्रोजन कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं LH वाला भाग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन्हीं को नियंत्रित करता है कि कब ये कम होने हैं और कब ये ज्यादा होने हैं। चलिए एक बात करते हैं कि बेसिकली इनकी कमी से होता क्या है। पहली बात, जैसे कि यहां दिखाया गया है कि ये इन जनन अंगों को नियंत्रित करते हैं, जनन अंगों को नियंत्रित करते हैं, तो मादा में इस हार्मोन की कमी की वजह से मादा के जनन अंग गायब भी हो सकते हैं या वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं। जबकि ऐसे ही नर में अगर हम बात करें तो वृषण यानी कि टेस्टिस और बाकी सारी चीजें इनको भी प्रभावित करते हैं और इनके भी क्या हो सकता है कि उनकी कोशिकाएं जो होती हैं जिनमें से सब कुछ फ्लो करता है उन कोशिकाओं को भी ये क्या कर देता है, सिकोड़ देता है, छोटा कर देता है, जिसकी वजह से इन हार्मोन्स का फ्लो जो है वो सीधा सीधा प्रभावित होता है और प्रजनन क्षमता पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि GTH हार्मोन प्राइमरली क्या करता है तो यही काम करता है। ऐसे नर जिनमें ये गायब हो जाते हैं एक समय पर, या तो बहुत छोटे हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, ऐसे नरों को हम कहते हैं, बीमारी होती है उस बीमारी को मैं यहां लिखता हूं, इसको कहते हैं क्रिप्टोर्चिड, ये बीमारी बोलते हैं क्रिप्टोर्चिड। ये बीमारी होती है और इस बीमारी को कहते हैं कि नर में जब वृषण या तो बहुत छोटे या फिर गायब हो जाते हैं, तो इस बीमारी को ये कहते हैं। तो ये आपका था GTH हार्मोन। चलिए चलते हैं समय ना गवाते हुए अगले हार्मोन। चलिए, ये जो हार्मोन है आपका, इसे बोलते हैं एडिनोकोर्टिकोटोग्राफिक हार्मोन। ये हार्मोन बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड जो होती है उसमें से जो हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम एड्रेनलिन कहते हैं, ये उसको कंट्रोल करता है। पहले पिट्यूटरी से एक निर्देश जाता है एड्रेनल को, और वो किस हार्मोन के थ्रू जाता है, वो ACTH हार्मोन के थ्रू जाता है एड्रेनल के लिए, जिसमें डायरेक्शन होती है कि आप एड्रेनल को ज़्यादा स्रावित कीजिए, कम स्रावित कीजिए, क्या करना है। जब भी किसी को तनाव होता है तो एड्रेनल हार्मोन अपने आप कंट्रोल होना या स्टार्ट होना या कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में एड्रेनल ग्रंथि को जो दिशा निर्देश मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, पिट्यूटरी से, और किस हार्मोन के थ्रू मिलते हैं, ACTH के थ्रू। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ आपकी TSH हार्मोन की, ये हार्मोन डायरेक्टली, इसका नाम भी यही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये थायराइड ग्रंथि के लिए निर्देश लेकर जाता है कि आप थायरोक्सिन कम या ज्यादा करो। तो ये वाला भाग थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है और ये वाला भाग एड्रेनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। अगर हम MSH को बात करें, इसके नाम से भी समझ में आएगा आपको, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानिन किसके लिए जरूरी होता है, त्वचा के लिए जरूरी होता है।
तो ये क्या करता है, त्वचा निर्माण में सहायक होता है, त्वचा की ग्रंथियों को, त्वचा की कोशिकाओं को, उन सब को बनाने में काम करता है। तो मेलानिन ही त्वचा के स्किन से रिलेटेड सारी चीजों को नियंत्रित करता है। तो ये जो हार्मोन है ये किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम है मेलानिन। अब बात करते हैं LTH की, LTH की इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन बेसिकली क्या करता है, आप सुने बस, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये मादा के अंदर दुग्धपान की क्षमता को प्रेरित करता है गर्भाधान के बाद। जैसे ही कोई लेडी गर्भाधान हो जाती है, बच्चे को जन्म दे देती है प्रसव के बाद, ऑटोमेटिकली उसके अंदर दुग्धपान कराने की क्षमता प्रेरित हो जाती है। और इस सब को कौन नियंत्रित करता है, इस सब को नियंत्रित करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये था आपका पिट्यूटरी ग्रंथि का काम, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे ज़्यादा काम करती है। तो इसमें हमने सभी हार्मोन को पढ़ा एक करके, STH का सबसे ज़्यादा काम है, फिर GTH का काम है, फिर ACTH, इन सब के बारे में अलग अलग तरीके के हार्मोन इसमें से निकलते हैं, अलग अलग तरीके के सबके काम हैं। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे पूछ लेता है कि ACTH हार्मोन क्या काम करता है, या GTH हार्मोन आगे दो किन हार्मोन में विभक्त किया जाता है, बांट दिया जाता है। तो ये आपकी एक छोटी सी वीडियो है जो आपको बड़ा हेल्प करेगी पीयूष ग्रंथि को समझने में और एग्जाम्स में जाकर क्वेश्चन करेक्ट करने में। तो अगर मैं समराइज भी करता हूँ इस पूरे लेक्चर को, तो मैंने कहा था कि पीयूष ग्रंथि तीन भागों में विभक्त की जाती है, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और आपकी मिड लोब, तो मध्यपाली जिसे हम कहते हैं। तो पोस्टीरियर लोब का मतलब पश्चपाली है, पश्चपाली क्या काम करती है हमने समझा, इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये समझा कि एंटीरियर लोब में कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो याद रखना 3/4 काम पूरी पीयूष ग्रंथि का कौन करती है, पोस्टीरियर लोब करती है, इसलिए यही लोब इंपॉर्टेंट है। हम मिड लोब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मध्यपाली के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्यों में मध्यपाली विकसित नहीं होती है, इसलिए वो हमने बायोलॉजी में कवर भी नहीं करनी है। और कई जीव जंतुओं में मध्यपाली प्रेजेंट होती है, विद्यमान होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको पसंद आया होगा और उम्मीद के मुताबिक अच्छा भी लगा होगा। फिर भी ये क्योंकि नई इनिशिएशन है मेरी तरफ से थोड़ा सा, तो कोई भी कमी शमी रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका